हरिओम। सिटी न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत। चलो एक नजर डालते हैं आज के इस राशिफल कार्यक्रम में। क्या खूब है, एक तरफ कोरोना पर्व चल रहा है और दूसरी तरफ श्री गणेश पर्व, और आज तीसरा, आज से महालक्ष्मी पर्व का आरंभ भी हो रहा है। तो आज का दिनांक है 25 अगस्त 2020। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी है आज मंगलवार, और विशाखा नक्षत्र जो वृश्चिक राशि में आता है। आज विशेषकर ज्येष्ठा गौरी की स्थापना की जाती है, आवाहन किया जाता है महालक्ष्मी की जो की, और उसकी स्थापना की जाता है जाती, उनको पाद्य दिया जाता है, उनको वस्त्र दिया जाता है, उनको आभूषण दिया जाता है, उनका बिल्कुल एक भजन कीर्तन से स्वागत किया जाता है, उनका गुणगान और कौतुक किया जाता है, और सब अपने सह परिवार के साथ एक विशेष हर्ष और उल्लास के साथ उसमें खो जाते हैं। मानो दो दिन हमारे यहाँ कोई हमारा प्रिय आत्मज मेहमान हो। तो आज के इस दिन विशेष के साथ आज के नक्षत्र के बारे में जानते हैं। विशाखा यह नक्षत्र तुला राशि और वृश्चिक राशि के एक संगम पे आता है, जिसमें वृश्चिक राशि में इसका एक अंश आता है, बाकी तीन इसके तुला राशि में आते हैं। इस नक्षत्र पर जन्म लेने वाले लोग सेहत से बहुत ही मजबूत पहलवान किस्म के, अपने सेहत के प्रति जागरूक, योद्धा बनने की इच्छुक, पुलिस बनने की इच्छुक, सैनिक बनने की इच्छुक, देश के लिए कुछ और परिवार के लिए कुछ हासिल करने के लिए मर मिटने को इच्छुक रहने वाले होते हैं। प्रखर इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति से इनके हिस्से में सौंपा गया काम कभी अधूरा नहीं छोड़ते, यह है विशाखा नक्षत्र। वैसे तो विष की शाखा, ऐसा भी इसका अर्थ निकलता है। सही बात है, उनका मन है इतना प्रबल दावेदार बन जाता है कि अगर वो किसी का विश्वसनीय बने तो आखिर तक बना रहे, अगर किसी को जुबान दे दे तो बिल्कुल उस बात पे अडिग रहे। व्यवहार में यह लोग बहुत ही निपुण पाए जाते हैं, लेन देन में बहुत सुंदर और एक शांति की जीवन जीने वाले। इतना होने के बावजूद भी इस नक्षत्र को इतना वैयक्तिक जीवन में सुख का कोई वरदान नहीं है। हो सकता है इसे अपने जीवन में कम से कम सुख मिले, कम से कम सुविधा में जीना पड़े, अवसर और समय का वरदान कम से कम मिले, फिर भी कुछ न कुछ हासिल करने का बहुत ज़्यादा प्रयास, भले अपने लिए नहीं परिवार और समाज के लिए कुछ करने का एक विश्वास इनको जीते जी बल ही प्रदान करते रहता है। आज जिन जिन बालकों ने इस नक्षत्र पर जन्म लिया है उनका अभिनंदन। क्या बोलते, बलस्व, एक बल के स्वामी बनकर आप आए हो, आपके माता पिता का भी अभिनंदन। जिनका जिनका भी आज जन्मदिन हो उनको भी उनके जन्मदिन की सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से शुभकामनाएं। हो आपके संकल्प पूरे, बने आपका मन एक खुशियों का मैदान, और आपके सामने हो एक आशाओं का, सपनों का नंदनवन। इसके बाद जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज के शुभ मुहूर्त में सुबह 9 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक अत्यंत सुंदर मुहूर्त है, उसमें अभिजीत, अमृत, लाभ, इस तरह के मुहूर्त का समावेश है। कंटिन्यू इसमें आप कोई भी महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता देकर यश और सम्मान अर्जित कर सकते हो। दूसरा सुंदर मुहूर्त है शाम का, शाम को बिल्कुल 5:30 बजे से आप प्रारंभ करके रात के 12:30 बजे तक एक बिल्कुल उसमें सभी श्रेष्ठ मुहूर्त का समावेश किया गया है, जिसमें आप अपने देवताओं की स्थापना भी कर सकते हो, सह परिवार किसी कार्य में अपनी लगन भी लगाकर अपनी एकाग्रता का परिचय भी दे सकते हो, जो ध्यान की उपलब्धि कराता है। आज के शुभ नक्षत्र के बाद देखते हैं कि आज के दिन क्या करना अच्छा रहेगा, किस काम के लिए अच्छा रहेगा। आज अपने बुद्धि को पूज्य बनाना बहुत ही हितकारक है। बुद्धि पूज्य तभी बनते हैं जब हम किसी को याद करते हैं दिल से, किसी को निमंत्रण देते हैं,
निमंत्रण देने के बाद उसको एक जलपान देते हैं, हाथ पांव धोने को पानी देते हैं, तौलिया देते हैं, उनको मिठाई देते हैं, वस्त्र देते हैं, धन देते हैं, आभूषण देते हैं, जितनी खुशियाँ बांटना चाहे बांटते हैं, फिर उनका गुणगान कर भजन कीर्तन करते हैं। इस तरह के अपनी पूज्य बुद्धि का निर्माण करने को ही पूजा कहते हैं। इस भाव का अगर निर्माण अगर आप में होता हो तो आज आप पर दोहरी कृपा हो सकती है, भगवान श्री गणेश जी की भी और माता महालक्ष्मी जी की भी। इस आज के कर्म के बाद, श्रेष्ठ करने के बाद जान लेते हैं आज के दर्शक की भविष्य उनकी पत्री से और उनका पूछा हुआ सवाल का जवाब। आज के शुभ दर्शक है श्री सागर जी जयदेव राव जी सोनारे। 21 अप्रैल 1990 का इनका जन्म है। निम्बोरा पिंपरी नाम का एक छोटा सा गांव है पूर्णा नदी के किनारे, चांदूर बाजार तहसील में, वहाँ यह व्यापार करते हैं। बहुत ही उत्साही और मनभावन स्वभाव, दार्शनिक, उदारवादी और ईमानदारी से परिपूर्ण हस्ती है। आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप जहाँ भी हो वही बने रहे। अपने गांव से भरपूर प्रेम करें और अपने गांव करी के लिए प्रार्थना। शासकीय राजकीय यश आपके किस्मत में है। आप पंचायत समिति के लिए भी चुन के आ सकते हो, जिला परिषद के लिए भी। आपके व्यापार में तरक्की तो दिख ही रही है, अगर आपको उसको भी बढ़ाना है तो उसको भी आप बढ़ा सकते हो। आप जितनी चाहे उतनी जोखिम बढ़ा सकते हो। कर्जा चाहे कितना भी हो जाए डरना नहीं, क्योंकि आमदनी इतनी ज़्यादा है कि आप बड़े बड़े पहाड़ों को भी अपने रास्ते से हटा सकते हो। इतना एक दिलचस्प स्वभाव का अनुदान और वरदान आपको प्रकृति ने प्रदान किया हुआ है। आपको माता पिता को हमारा नमन और आपको आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। आपने एक हमें प्रश्न भी पूछा है कि पंडित जी, अगर मुझे व्यापार में मस्त तरक्की करना हो तो एक आधा मुझे अच्छा मंत्र बताइएगा। व्यापार में सफलता पाने के लिए टाल मटोल स्वभाव में बिल्कुल काम की नहीं होती। जो व्यक्ति आज का अभी का काम दोपहर को, दोपहर का शाम को, शाम का कल पर ले जाता है, उसको व्यापार में कभी सफलता अर्जित नहीं होती। दूसरा पॉइंट यह है कि व्यापार में आपके जिन जिन लोगों से संपर्क है उनसे भावनिक रिश्ता बनाने से बचे। उन लोगों से ज़्यादा खान पान, वैयक्तिक जीवन की शेयरिंग करने से बचे। ज़्यादातर मौन रहना व्यवहार में बहुत अच्छा, ये भी एक है। तीसरा, अगर व्यापार में जो भी आप कमाते हो, आप दानी हो, अनुदानी हो, मानी हो, तो अपना जो उपार्जन है, अपनी जो आमदनी है, वो कभी किसी को न बताना। सरकार का भरसक लाभ लेना सरकार की योजनाओं का व्यापार के लिए सदा हितदायक होता है। चलो, आपके इस सवाल के जवाब के बाद आज नजर डालते हैं 12 राशियों की ओर। कैसा रहेगा आज का दिन? मेष राशि, कितना नुकसान किया है मेरा मेरे स्वभाव ने, ऐसा आज आपको महसूस होगा। एक तटस्थता, कट्टरता मुझ में भरी हुई है। बड़ी मुश्किल से मेरे सामने कोई बैठने को आज तैयार नहीं है। मेरे अपने भी रूठे हुए हैं, निराश हो चुके हैं। क्यों मुझे इतनी कड़वी जुबान मिल गई है? क्यों मेरे आँखों में इतना एक शैतानपन दिखता है? अपने आप की नफरत हो सकती है, लेकिन परिवर्तन का आपके लिए मौका है। शुरुआत करें, सफलता आपकी है। वृषभ राशि के लोगों को बहुत ही छुपे पाव जीवन जीना पड़ेगा। कुछ अपने हाथों से ऐसी गलती हो जाएंगी, कहीं राज न खुल जाए, कहीं झूठ का सहारा लेकर आगे न बढ़ना पड़े, और बेकार में बातों को टालने के लिए कोई आवेश में आकर कोई व्यर्थ प्रदर्शन न करना पड़े। डरिए नहीं, सामना कीजिएगा, परिस्थिति कुछ अलग चाहती है। मिथुन राशि के व्यक्तियों को अपने बड़े घर का बहुत एक कंटाला आ गया है। कितने बड़े घर का काम मैं नहीं कर सकता, नहीं संभाल सकता। महीना महीना कोई कमरे में जाने को नहीं मिल रहा। मकान तो बड़ा बना के रखा हुआ है, लेकिन उसका व्यवस्थापन ठीक से नहीं हो रहा। उसका रखरखाव, उसके साफ सुथरेपन पर बड़ा ही दुर्लक्ष हो रहा है। पछतावा होगा इतना बड़ा पैसा लगाने का। दो नौकरों को भी नहीं रख सकते, परिवार उसके लिए अनुमति नहीं देगा, मन दुखी रहेगा। कर्क राशि के व्यक्तियों को आज कहीं का ऐसा निमंत्रण आएगा कि आपके सहज स्वाभाविक मुलाकात की वजह से कोई अच्छा रिश्ता बन सकता है।
कोई आपको अच्छा परिवार मिल सकता है, आपकी जैसे लोगों के तलाश में आज किसी की प्रार्थना फलद्रुप हुई ऐसा अनुभव भी आ सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि के व्यक्तियों को ब्रेक। कन्या राशि, सिंह राशि, सिंह राशि व्यक्तियों को आज अच्छे मित्रों की खोज रहेंगी, प्रतीक्षा रहेंगी, तलाश रहेंगी। उसके लिए अगर सुबह सुबह आपको कोई गांव की याद आई हुई है, कोई व्यक्ति की याद आई हुई है, या कोई वस्तु आपको दिखी हुई है, तो उस तरफ पहले दौड़े, आपका भाग्य और मंजिल उसी दिशा में है। कन्या राशि, कन्या राशि के व्यक्तियों को साहस का डर रहेगा, प्यार करे कि ना करे, आगे बढ़े कि ना बढ़े, कोई गलत कदम उठा लिए तो, कुछ गलत हो गया तो, बेकार में अपना चित्र चरित्र और स्वभाव खराब ना हो जाए। डर के पीछे आपका साहस है, उसको सामने कीजिएगा, आनंद मिलेगा। तुला राशि, तुला राशि के व्यक्तियों को बहुत ही अपनी बुरी आदतों से पीड़ा हो जाएंगी, चाहे वो नाखून खाने की आदत हो या सर खुजाने की या अन्य कोई, अपनी बुरी आदतों से इतना परेशान हो जाएंगे कि जीवन भारी लगेगा, मन मैला हो जाएगा। लेकिन एक ज़बरदस्त संकल्प शक्ति का निर्माण कर या कोई श्रेष्ठ काम अपने हाथों को देकर आप इस बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को आज रोना आ जाएगा, बेकार का हल्का फुल्का झगड़ा हो जाएगा, बेबनाव हो जाएगा, अपने कार्य में सदा त्रुटियां ही बनी रहती है, इस बात का खेद भी बना रहेगा, लेकिन परिवर्तन के लिए मौका है, इस उम्मीद से आप फिर से मुस्कुरा उठेंगे। धनु राशि, धनु राशि के व्यक्ति को अभी उम्र के साथ समझौता करना पड़ेगा, बुढ़ापा हर व्यक्ति के अहंकार को तोड़ देता है, चाहे हमारे पास दुनिया की कोई भी ताकत क्यों ना हो, हमारा बुढ़ापा उसको लेकर हमें आगे नहीं बढ़ा सकता। बस समय के साथ बने रहे, समय जो प्रदान करे उसे सहर्ष स्वीकारे, यही अभिनंदनीय है, यही आनंदनीय है, यही स्वीकारने योग्य है। मकर राशि, मकर राशियों को व्यक्तियों को अस्पताल में अपनी बीमारी से जूझना पड़ेगा, दवाओं का असर कब होगा, कोई मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा, मैं स्वस्थ हूँ या अस्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, मन संदेह के घेरे में बना रहेगा, और मन में का कोई विचार हो तो वो जल नहीं निकलेगा, उसको निकालने के लिए आपको वज्रकष्ट करना पड़ सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्तियों को खुद इतने परिपूर्ण और परिपक्व, प्रभावशाली, अधिकार महत्व से परिपूर्ण होने के बावजूद भी कोई आम आदमी खंडन करा दे, शांति से आपके भीतर के दुर्गुणों को जगा दे, इस बात का खेद हो जाएगा कि मैं इतना अपूर्ण कैसे, क्या मैं सामाजिक हूँ, पारिवारिक हूँ, कितने हैं मेरे शुभचिंतक, बस स्वमूल्यांकन की ओर और आत्म परीक्षण आपको प्राप्त होगा, पुनर्भाग्य आपका श्रेष्ठ विचारों की वजह से आपको सुख दर्शन देगा। मीन राशि, मीन राशि के व्यक्तियों को सबको संभालने की आदत पड़ी हुई है, दोनों तबलजी जैसे हाथ रखना, तराजू को दोनों तरफ से समान तोलना, क्या है अपने ही लोग हैं, अपने ही विषय है, कुछ तो हो रहा है, चर्चा का विषय तो बन रहा है, सब क्यों अपनी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन संयम से अपने विचारों को प्रस्तुत करने की एक अपने भीतर की आवाज आज उठाना चाहेंगे, ताकि आप अपना प्रभुत्व नेतृत्व साबित कर सके, आप क्षमतावान हो, अपने बात पे बने रहे। चलो यहां पर 12 राशि का भविष्य फल समाप्त करते हैं। आपको भी अगर कोई सवाल पूछना हो तो ये नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें आपका पूर्ण नाम, गांव के साथ और जन्मतिथि भेजकर अपने किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हो। इस कार्यक्रम को अगर देखने का मौका मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और ये घंटी भी दबाना। इसको आप YouTube के साथ साथ Twitter पर, Facebook पर और किसी के WhatsApp स्टेटस पर भी देख सकते हो। चलो कल होंगे आपसे फिर मुलाकात, मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा, देखते रहिएगा सिटी न्यूज़, हरिओम तत्सत।